मोहब्बत से बोले आप लोग सुभान अल्लाह। अरे तुमको तो बोलना नबी ने सिखाया है, और कसम खुदा की जिसे नबी बोलना सिखा दे दुनिया पूरी ताकत लगा ले उसको खामोश नहीं कर सकती है। अरे अगर सच कर रहा हूँ तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल को नबी ने बोलना सिखा दिया, उमैया ने लाख कोशिश की, बिलाल खामोश हो जाओ वरना तपती हुई रेत पे लिटा देंगे, बिलाल खामोश हो जाओ वरना जबान को गरम लोहे से दाग देंगे, बिलाल खामोश हो जाओ वरना सीने पे गरम बोलता हुआ पत्थर रख देंगे। हजरत बिलाल ने कहा था उमैया हमारे सीने से टकरा कर तुम्हारा गरम बोलता हुआ पत्थर तो खामोश हो सकता है मगर नबी का कलमा पढ़ने के बाद बिलाल खामोश नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ वही जज्बा वही बेदारी आप लोग अपने अंदर पैदा करें। अब वो शेर मेरे शब्बीर वैसा काउंट करता है, माइक वालों को पता नहीं क्या 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 कौन सी उलझन में कौन सी टेंशन में बैठे हैं ये, इतना सारा सामान इनके पास, इतना हाई फाई सिस्टम, लेकिन माइक की आवाज खोलते हुए बड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला इनके दिल में रहम पैदा फरमाए, आदमी अच्छे हैं और धीरे धीरे माइक की आवाज भी तेज कर देंगे मुझे उम्मीद है ना। कोई अच्छा आदमी किसी का बुरा नहीं चाहता है, माशाल्लाह समझदार आदमी है। अब माइक अच्छा बोलने लगा इसरा, आप लोग भी हाथ उठा के बोलते हैं सुभान अल्लाह और दिल लगा के बोलते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा इधर के लोग खामोश हैं, इधर के लोग जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अब आप लोग जरा खामोश हैं, आप बताएं हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। देखिए अब जरा पूरा मजमा एक मरतबा हाथ उठा के बोलते सुभान अल्लाह। अब वो शेर सुन ले, किए जैसे मेरे शब्बीर वैसा काउंट करता है, किए जैसे मेरे शब्बीर वैसा काउंट करता है, अली असगर को देकर दीन को जिंदा काउंट करता है, किए जैसे मेरे शब्बीर वैसा काउंट करता है, अली असगर को देकर दीन को जिंदा काउंट करता है, झुका है सर तो मैदान कयामत में ही उठेगा, बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है, झुका है सर तो मैदान कयामत में ही उठेगा, बताओ इतना लंबा एक सजदा कौन करता है। जिन शोराए किराम को सुनने के लिए आप लोग सरे शाम से लेकर के अब तक बेचैन थे, वो शोराए किराम का काफिला मिंबरे नूर पे मौजूद है। शायरे इस्लाम जनाबे सादिक रजा कानपुरी वो भी मिंबर शरीफ पे बैठे हैं, शायरे इस्लाम जनाबे कासिम नदीमी बनारसी वो भी मिंबर शरीफ पे मौजूद हैं, और हमारी जमात के वो तमाम मुक्तदर उलमाए किराम जिनके फिक्र फन की छतरियों के साए में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब मौजूद हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं चाहता हूँ ये प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़े, लेकिन उससे बेशतर एक गुजारिश ऐसी है कि जगह बीच में कुछ जगह खाली है, आप लोग सिमट करके आगे आ जाएं ताकि जो भाई खड़े हुए हैं उन्हें बैठने का मौका मिल सके। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कसम खुदा की जो जितना मिंबरे रसूल के करीब हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमत खुदा उसके उतना ही करीब हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि रहमत खुदा आपके करीब हो जाए तो आप उलमाए किराम के करीब हो जाइए, आप मिंबरे रसूल के करीब हो जाइए। आइए बड़ी तेजी के साथ एक और खूबसूरत आवाज जो जिसके सहारे से आप तसव्वुरात के तसव्वुरात में मदीनतुर रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल कर सकते हैं। शायरे इस्लाम जनाबे मकसूद कादरी जोखनपुरी मिंबर शरीफ पे मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि एक कामयाब तरीन कलाम के साथ आप उनसे मुलाकात कर लें। जरा दोनों हाथ उठाएं और नारे तकबीर और रिसालत की फिजाओं में आप अपने होने का सबूत दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, हुसैनी कमेटी, सरजमीने कुंडरा कोठी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था एक कलंदर समेट कर, कल रास्ते के जितने थे पत्थर समेट कर ले जा रहा था एक कलंदर समेट कर, होने लगा जो जिक्र लोअबे रसूल का, हुकमा तमाम चल दिए दफ्तर समेट कर।